हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो क्लास लेकर के आई हूँ वो शिक्षण विधियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे कि आप देख सकते हैं टीचिंग मेथड्स हमें पढ़ना है, तो ये है शिक्षण नीतियाँ यानी कि टीचिंग स्ट्रैटेजी, उसका मीनिंग, परिभाषा और जो विशेषता, ये तीन। तो ये उतना नहीं आता है, लेकिन इसमें से बीच में से ये क्वेश्चन एक आ सकता है जिसको हम बोलते हैं टीचिंग स्ट्रैटेजी से। टीचिंग स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ये टीचिंग स्ट्रैटेजी होता क्या है, लेकिन इतना मैं बोलूँगी कि ये टीचिंग स्ट्रैटेजी आता भी है तो ये आप लोगों का जो है ऑप्शन में रहता है, बिना ऑप्शन के नहीं रहता है। आइए देखते हैं टीचिंग स्ट्रैटेजी है क्या। शिक्षण नीतियाँ या टीचिंग स्ट्रैटेजी बोलिए, दो शब्दों से मिलकर बना है, टीचिंग एंड स्ट्रैटेजी यानी शिक्षण और नीतियाँ। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। यह टीचिंग का हम बोले तो ये इंटरेक्शन होता है टीचर्स एंड स्टूडेंट में, तो ये इंटरेक्शन एक प्रोसेस होता है, अंतःक्रिया होता है। अगर नीति की बात करें जो कि दूसरा वर्ड है, तो दूसरे शब्द जो नीति है, दूसरा शब्द उसका मतलब होता है योजना यानी कि प्लानिंग, यानी कि चतुराई, यानी कि स्किल्स। ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करके जब कोई काम करते हैं तो उसको हम नीति बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि शिक्षण नीति का मतलब हुआ कि स्टूडेंट एंड टीचर में जो प्रोसेस हो रहा है, जो क्रियात्मक प्रोसेस, अंतःक्रियात्मक प्रोसेस हो रहा है, जब हम उनको जो है एक योजना के तहत, कुछ नियम के तहत, कुछ प्लानिंग के तहत करते हैं तो वो टीचिंग स्ट्रैटेजी कहलाती है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को ये टीचिंग एंड स्ट्रैटेजी या शिक्षण या नीतियां दोनों को तोड़ करके या दोनों का अलग अलग मीनिंग बता करके या फिर दोनों को कनेक्ट करना है। अपने शब्दों में भी कर सकते हैं आप या फिर आप बुक का लैंग्वेज भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो कॉलिन इंग्लिश जेम्स शब्दकोश के अकॉर्डिंग जो है नीति का अर्थ युद्ध कला तथा युद्ध कौशल होता है, लेकिन हम यहाँ पे एजुकेशन से रिलेट कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह से मानेंगे। आइए चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी परिभाषाओं पे जाएंगे कि इसकी एक्चुअली में परिभाषा जो है वो क्या है। तो इसकी परिभाषा अगर मैं बोलूँ तो हम लोग जब देखते हैं वो कुछ लोगों का रहता है जिसमें से दो या तीन को करना है आपको, ज़्यादा का इसमें तो करना नहीं है। तो आइए देखेंगे इसमें किनका किनका हमको करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे डेविस ने जो बोला है, वो छोटे छोटे शिक्षण नीतियां हैं ये। डेविस ने बोला है नीतियां शिक्षण की व्यापक विधि है। नीतियां क्या है? शिक्षण की एक व्यापक विधि है, मतलब टीचिंग के लिए एक नियम है, एक नियम के तहत चलने वाली क्रिया है, तो इसको इन्होंने व्यापक विधि बोला। छोटा सा है, स्ट्रैटेजी आर ब्रॉड मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश में। स्टोन्स तथा मॉरिस ने क्या बोला है? शिक्षण नीति पाठ की एक सामान्यकृत योजना है जिसमें वांछित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के उद्देश्यों के रूप में सम्मिलित होती है, साथ ही इसमें युक्तियों की योजनाएं भी तैयार की जाती हैं। इसके बाद है स्ट्रेसर्स का बोले तो शिक्षण नीतियां वे योजना होती है जिसमें शिक्षण के उद्देश्य और छात्रों के व्यवहार परिवर्तन, पाठ्य वस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम तथा अनुभव तथा छात्रों की पृष्ठभूमि आदि का विशेष महत्व दिया जाता है। तो ये तीन फिलोसफर्स के आपको जो है डेफिनेशन मिले, जिनको आपको चेंज नहीं करना, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है शिक्षण नीतियों के बारे में। शिक्षण नीति आता है ऑप्शन में, लॉन्ग में अगर आएगा तो ऑप्शन में आएगा, शॉर्ट में ये आपको पूछ सकता है, तो इसको शिक्षण नीति को थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। अब आगे चलेंगे। अब हमने जो दूसरा पार्ट इसका बताया था आपको कि विशेषता पूछता है, तो आइए विशेषता को हम देख लेते हैं कि इसमें विशेषता जो है इस एक्चुअली में ये क्या है। शिक्षण नीति, विशेषता का मतलब क्या होता है कि ये है क्या। सबसे पहले शिक्षण नीतियाँ शिक्षण कार्यों के किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती है। प्रतिमान यानी कि मॉडल की तरफ, यानी कि जो स्ट्रैटेजी है वो हमें ये बताती है कि जो टीचिंग है उसके लिए कोई मॉडल तैयार किया गया है।
शिक्षण नीतियाँ शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती हैं। ये व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। ये कार्य विश्लेषण और उसकी संरचना में महत्वपूर्ण है। ये शिक्षक की कार्य निष्ठा बढ़ाती है, उसकी शिक्षण कुशलता में वृद्धि करती है। ये शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत तथा वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। इनके माध्यम से बुद्धि, अध्यवसाय, स्पष्ट चिंतन तथा कार्यशालाओं के प्रत्यय का विकास होता है। शिक्षण नीतियों में शिक्षा दर्शन अधिक सिद्धांत पृष्ठपोषण आदि तत्व निहित रहते हैं। यह शिक्षण प्रक्रिया को क्रमबद्ध तथा सार्थक बनाती है। यह शिक्षण नीतियां शिक्षक के नियंत्रण में रहती है और आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन कर लेती है। तो ये विशेषताएं हुई किसकी, शिक्षण नीतियों की, जो कि हमने अभी किया। इसमें अगर हम शिक्षण नीति को फॉलो करते हैं तो हमें ये सारी चीजें जो है मिलती है देखने को। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे शिक्षण नीतियाँ और शिक्षण विधि। बोलते हैं ना कि टीचिंग स्ट्रैटेजी और टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड क्या होता है, टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है। देखिए मैं बिना बुकीज में जाए आप लोगों को एक बात बता दूँ। टीचिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है हम प्लान जो करते हैं, जो नीति अपनाते हैं, जो हम योजना बनाते हैं वो होता है। मेथड क्या होता है, उस योजना में हम किस हथियार से लड़ने वाले हैं। बात को ध्यान से देखिएगा। एक हमने युद्ध की प्लानिंग की, ठीक है, उस प्लानिंग में हम किस हथियार से लड़ेंगे वो मेथड होता है, तो वो प्लानिंग के तहत ही आता है, इतना याद रखिएगा। तो मेथड का मतलब हुआ हथियार। चलिए आगे हम इसमें थोड़ा देख लेते हैं। टीचिंग नीतियों का चयन उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है और शिक्षण विधियों के चयन में पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षण नीतियों में व्यवहार और संबंधों का स्थान महत्वपूर्ण है और इनमें पाठ्य वस्तु तथा प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब इसमें जो है जो स्ट्रैटेजी है हम जो बनाते हैं वो पूरे चीज़ों के लिए बनाते हैं, राइट। मतलब हम एग्जैक्टली टीचिंग के लिए बना रहे हैं, और जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज होता है। मान लीजिए कि हमने अब मैथ्स के लिए प्लानिंग किया कि हमें मैथ्स कैसे पढ़ाना है, लेकिन मैथ्स में हमें जो है अलजेब्रा कैसे पढ़ाना है, अलजेब्रा में कौन सा मैथड यूज़ कर, मैथड चेंज हो जाएगा। अलजेब्रा के लिए हम मैथड अलग यूज़ करेंगे। डेटा हैंडलिंग अगर पढ़ाएंगे तो उसके लिए हम मैथड अलग यूज़ करेंगे। तो मेथड जो है कंटेंट के अनुसार या फिर बोले कि टॉपिक के अनुसार चेंज होता है, और ये हमारा जो टीचिंग स्ट्रैटेजी बनता है, जो टीचिंग नीति जिसको हम बोलते हैं बनता है, वो हमारे पूरा कंटेंट को लेकर के या फिर हमारे बोल सकते हैं कि पूरे सब्जेक्ट को लेकर के, टीचिंग को लेकर के बनता है। शिक्षण नीतियाँ शिक्षण को विज्ञान के रूप में मानती हैं। शिक्षण विधियाँ शिक्षण को कला के रूप में मानती है, क्योंकि आपको मेथड यूज़ करना है। मेथड आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब उसका यूज़ करना आपको पता हो। ये आर्ट है और ये साइंस है। शिक्षण नीतियों का मुख्य कार्य उपयुक्त सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करना है और शिक्षण विधियों का मुख्य कार्य पाठ के प्रस्तुतिकरण से अधिक प्रभावशाली बनाना होता है। शिक्षण नीतियों के मूल्यांकन का मापदंड उद्देश्य की प्राप्ति होता है और इसमें जो है मूल्यांकन पाठ्य वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना होता है। इसमें सूक्ष्म उपागम यानी माइक्रो टीचिंग का अनुसरण किया जाता है। इसमें स्थूल उपागम यानी मैक्रो टीचिंग यानी कि स्कूल में क्लास में जो आप पढ़ा रहे वो होता है। यह मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का उपहार है और यह क्लासिकल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की देन है। तो ये पूरा आप लोगों को हुआ टीचिंग स्ट्रैटेजी एंड टीचिंग मेथड। अगर ये पूछता है तो आप लोग इसको अपने तरीके से कर सकते हो। अभी तक आप लोगों को आई होप कि अंतर और दोनों क्या है ये समझ में आ गया है। चलिए अब हम दूसरे में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कुछ और टीचिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के दिया हुआ है, वही है। यह शिक्षण की विस्तृत अध्यापन विधि है। तो यह शिक्षण युक्तियाँ, यहाँ पे आपका टीचिंग स्ट्रैटेजी एंड टीचिंग टैक्टिस है, टैक्टिस, ठीक है। ये टैक्टिस का मतलब होता है कि हम कब कौन सा चाल चलते हैं, राइट। ये मान लीजिए आपका टीचिंग स्ट्रैटेजी है, तो ये टीचिंग टैक्टिस इसका एक पार्ट है।
हर ये में, जैसे मान लीजिए कि हम टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा पहले इंट्रोडक्शन होता है, तो उसमें हम कौन सा टैक्टिस और किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, ये सारी चीज़ें टैक्टिस में आती है। तो ये शिक्षण की विस्तृत अध्यापन विधि है और ये जो शिक्षण नीति के अधीन ही आती है, टीचिंग स्ट्रैटेजी के अधीन आती है। ये शिक्षण विधियों के अनुरूप हो सकती है, शिक्षण प्रविधियों के अनुरूप है। एक शिक्षण नीति में कई युक्तियों का प्रयोग किया जाता है और या एक या कई युक्तियां सम्मिलित रूप से शिक्षण नीति को प्रभावशाली बनाती है। ये सामान्य स्वरूप की होती हैं, इनका अपना विशिष्ट स्वरूप होता है। ये शिक्षण व्यवस्था को उन्नत बनाती है, नवीन ज्ञान को स्थायी धारणा देती है। तो इस तरह से टीचिंग स्ट्रैटेजी एंड टीचिंग टैक्टिस हुआ। आगे चलेंगे, व्याख्यान नीति। अब यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रैटेजी होती है, एक्चुअली में हम जो मेथड बोलते हैं ना वो हमारे स्ट्रैटेजी में भी आते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से जो हैं आपको आएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास अगर आप देख रहे हो तो है लेक्चर स्ट्रैटेजी, जिसको हम लेक्चर मेथड भी बोलते हैं। इसको आइए देख लेते हैं। व्याख्यान का तात्पर्य किसी भी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने से है। शिक्षक किसी विषय विशेष पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं तथा छात्र निष्क्रिय होकर सुनते रहते हैं। ये व्याख्यान विधि होता है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, बिल्कुल ही हायर क्लास में ही हो सकता है। यह शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त तथा आकर्षक है। ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेथड के रूप में लेक्चर मेथड आता है, स्ट्रैटेजी के रूप में उतना नहीं आता है, लेकिन हम कर ले रहे हैं कि बाय द वे अगर एक नंबर में भी आ जाए तो हम क्यों एक मार्क्स भी छोड़े अपना। कम समय में अधिक सूचनाएं दी जा सकती हैं, अधिक संख्या में छात्र सुनकर इसको नोट करते हैं, यह विषय का तार्किक क्रम सदैव बना रहता है। ये हुआ आपका व्याख्यान। अब आइए इसमें और भी हैं आपको, फिर है आपका नेक्स्ट, यह शिक्षक तथा छात्र दोनों के विषय के अध्ययन की प्रगति को प्रगति के विषय में संतुष्टि प्रदान करती है। शिक्षक विचारधारा के प्रवाह में बहुत सी नई बातें बता देते हैं। इस विधि के प्रयोग से अध्यापक को शिक्षण कार्य में बहुत सुविधा है। एक ही समय में छात्रों के बड़े समूह का शिक्षण किया जाता है, शिक्षक सदैव सक्रिय रहता है। यदि शिक्षक इस विधि का प्रयोग कुशलता से करे तो छात्रों को आकर्षित किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके डीमेरिट्स पढ़ते हैं। कुछ बातों की सूचनाओं प्राप्त कर लेना ही अध्ययन नहीं है। जैसे कि अगर टीचर जो भी आके लेक्चर देते हैं वो एक तरह से इन्फॉर्मेशन ही होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये डीपली हो रहा है कि नहीं, क्योंकि स्टूडेंट तो पूरी तरह से बोल सकते हैं निष्क्रिय रहते हैं, तो उनका यहाँ पे कोई योगदान रहता नहीं है। छात्र निष्क्रिय बैठे होते हैं। छोटी कक्षाओं में छात्रों के लिए विधि अनुचित व अमनोवैज्ञानिक है। छात्रों में ज्ञान प्राप्त करने की रुचि जागृत नहीं होती। छात्रों की मानसिक शक्ति में किसी प्रकार का विकास नहीं होता है। इस प्रकार से प्रदत्त ज्ञान अस्थायी होता है। तो ये इसके डिमेरिट्स में आएंगे। अब इसके सुधार के लिए सुझाव भी है, वैसे देख लेते हैं, ज़्यादा सुझाव नहीं है, पांच ही है वैसे, है डिमेरिट्स तो है ही इसका। पहला, आवश्यकता अनुसार श्याम पट का उपयोग करना चाहिए, मतलब कि जब जरूरी हो तो ही श्याम पट का उपयोग करना चाहिए, जरूरी नहीं है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन करते क्या हैं सभी, क्योंकि उसको वो यूज़ करना होता है तो वो लिखते जाते हैं एक तरह से रामायण की तरह जो है लिख करके रख लेते हैं। तो ये इसका डिमेरिट्स है। तो जितना ज़रूरी हो उतना ही इसको हमें यूज़ करना चाहिए। सो व्याख्यान विधि में हम ये देख सकते हैं कि सुधारने के लिए कि उतना ही बोर्ड का यूज़ करें जितनी ज़रूरत हो। उचित सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स का यूज़ करना, उसे सामान्यकरण के सिद्धांत पर जोर देना चाहिए, मतलब कि ईजी टू कॉम्प्लेक्स, मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स चीज़ें ही और डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं बताना चाहिए, आसान से जो है डिफ़िकल्ट की तरफ जाना चाहिए। बालकों को कम बताकर उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे वे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने वो अनुभव से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। व्याख्यान में छात्रों को क्रियाशील रखने के लिए उनसे समय समय पर प्रश्न पूछते रहना चाहिए। तो इस तरह से कुछ सुधार है व्याख्यान स्ट्रैटेजी के।
दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ये सारे जो आएंगे भी तो वेरी शॉर्ट या एकदम शॉर्ट में आएंगे, लॉन्ग में ये सब नहीं आ सकता है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको इसको डिटेल ऐसे ही देते जाती हूँ। देखिए डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि हम जो है इस विधि में जो है हम जो टीचर होता है वो भी एक्टिव रहता है एंड जो स्टूडेंट होता है वो भी एक्टिव रहता है। इसमें टीचर जो है पहले कुछ प्रूफ करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए वो दिखाता है, उसको उसका प्रदर्शन करता है, उसी को जो है स्टूडेंट भी फॉलो करते हैं, उसके बाद वो जो है उसका प्रदर्शन करते हैं। अगर हम इसकी विशेषताएं की विशेषताओं की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला है कि यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि देखिए इसमें टीचर जो है दिखाता है, डेमोंस्ट्रेट करता है और स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को वो चांस मिलना चाहिए फॉलो करने का, वो कितना सीख रहे हैं। प्रयोग प्रदर्शन शिक्षक द्वारा किए जाने उपकरणों को दूर जो है उपकरणों की टूट फूट कम होती है, समय कम लगता है, छात्र स्वयं देख कर सीख सकते हैं, बालकों की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां अधिक सक्रिय होती है, बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं इसमें, तो वो इस विधि का जो है फायदा उठाते हैं। डिमेरिट्स की बात करें तो इस विधि में बालकों को स्वयं प्रयोग के अवसर नहीं मिलता। डेमोंस्ट्रेशन में होता है कि टीचर जो है डेमोंस्ट्रेट करके प्रदर्शन करके दिखा रहा है और स्टूडेंट्स देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, लेकिन स्टूडेंट को वो चांस नहीं मिलता है कि वो डेमोंस्ट्रेट करे, अपना दिमाग वो लगाए, अपने अकॉर्डिंग जो है वो करे। कुछ छात्र ठीक प्रकार से प्रयोग का निरीक्षण नहीं करते, कभी कभी शिक्षक द्वारा प्रयोग सफल नहीं होता तो छात्रों के मन में विषय के प्रति अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है, तो ये सारे डिमेरिट्स हैं। सुधार के लिए बात करें तो छात्रों के समक्ष कोई भी प्रदर्शन करने से पूर्व उसका पूर्व अभ्यास शिक्षक को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि टीचर डेमोंस्ट्रेट कर रहा है और वहाँ पर वो डेमोंस्ट्रेशन जो है फेल हो गया, तो इससे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, तो टीचर्स को पहले से ही ये प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। प्रदर्शन के लिए आवश्यक सभी सामग्री प्रदर्शन मेज पर होनी चाहिए, प्रदर्शन का उद्देश्य छात्रों के सामने एकदम स्पष्ट कर देना चाहिए। अब है ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी, ये आपके शॉर्ट में आता है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको देखिएगा, वैसे डिफिकल्ट नहीं है, बस मीनिंग समझना जरूरी है। मीनिंग में होता क्या है कि ये नाम थोड़ा सा अलग है तो स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि ये क्या है। देखिए ह्यूरिस्टिक का मतलब होता अन्वेषण, अन्वेषण से शायद आप समझे कि अन्वेषण होता क्या, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, तो ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है इसमें स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं, इसमें कि जो है छात्र खुद से किसी भी समस्या का खोज करते हैं या टीचर उनको ऐसे सिचुएशन में डाल देता है कि उनको खोज करना पड़ता है, उनको जो है खुद से सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। इसमें टीचर जो है एज अ गाइड का काम करता है एंड स्टूडेंट्स जो है प्रॉब्लम सॉल्वर का काम करते हैं, तो ये अन्वेषण होता है, ठीक है। इसमें इसकी विशेषता देखें तो छात्रों में वैज्ञानिक विधि तथा भावना का विकास होता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स खुद से सब कुछ करते हैं तो साइंटिफिक जो थॉट होता है उनका डेवलप होता है, छात्रों की यह विधि यथा एग्जैक्ट बनाती है और सत्य के निकट पहुंचाती है, इसमें छात्रों की निरीक्षण शक्ति तीव्र होती है तथा विचार प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। इसके आगे जाएंगे तो और भी आपको विशेषताएं देखने को मिलेगी। डिमेरिट्स की आइए आगे बात कर लेते, डिमेरिट्स एक्चुअली में इसका है क्या, तो इसमें सबसे पहला डिमेरिट्स होता है शिक्षण गति धीमी रहने से पूरा पाठ्यक्रम, अब क्या है कि स्टूडेंट्स को खुद करना है, कुछ स्टूडेंट तो फास्ट करते हैं कुछ स्लो भी जाते हैं, तो इसलिए करिकुलम इसकी वजह से स्लो हो जाता है। छात्र निष्कर्ष तक पहुँचने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, कुछ पहुँच पाते हैं कुछ नहीं पहुँच पाते हैं। इसमें जो है प्रयोगशाला तथा अच्छा पुस्तकालय बहुत जरूरी होता है, धन अधिक खर्च होता है, कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है, तो ये डिमेरिट्स हैं। सुझाव के लिए अगर बोला जाए तो अन्वेषण विधि का रूप वास्तविक होना चाहिए, पूरे पाठ्यक्रम की अपेक्षा केवल कुछ चुने गए पाठ की ही इस विधि में पढ़ाए जाए और शिक्षक अपने दायित्व के प्रति पूर्ण रूप से सजग और सतर्क रहे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। फिर है उसका आपके बाद है उसका है प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी। प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो ये हमारा जॉन डीवी का कहना है केसिस किल पैट्रिक ने कहा है, इस विधि को जन्म दिया है, उन्होंने बोला है प्रायोजना या फिर प्रोजेक्ट वह क्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। देखिए इसमें होता क्या है कि
छात्र जो है अपने एक समस्या, छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है और छात्र उसका हल निकालने में लगे रहते हैं। इसमें भी बोले तो स्टूडेंट्स खुद से ही प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट उनको दे दिया जाता है। अब जैसे भी कोरोना हुआ था, ठीक है, तो कोरोना पैंडेमिक पे ही एक प्रोजेक्ट दे दिया गया कि ये जो समस्या है, ये जो चीज़ है, इसके बारे में आप बताइए। तो वो समस्या क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये सभी के बारे में वो प्रोजेक्ट बताएंगे। तो ये बच्चे बताएंगे कैसे खोज करके, खुद से जो है इस पे रिसर्च करके। तो इसमें स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं। इसमें कौन कौन सी विधियां हैं ये आता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए ये सारे विधियां। अभी जो हम आगे देखेंगे इसको मैं बताते चल रही हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें जो होती हैं। सबसे पहले तो प्रायोजना का चयन यानी प्रोजेक्ट का चयन होता है। दूसरा होता है रूपरेखा तैयार करना, स्टूडेंट तैयार करते हैं एग्जैक्टली कि इसको हमको कैसे करना है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन होता है, मतलब कि जो काम होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये ग्रुप के में दिया जाता है तब होता है। फिर उसके बाद इवेल्युएशन होता है, इवेल्युएशन टीचर खुद करते हैं या स्टूडेंट भी खुद से करते हैं, उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। इसके प्रकार की बात करें तो निर्माण संबंधी प्रायोजना होती है, जैसे विद्यालय में वाटिका, संग्रहालय, एक्वेरियम, टेरेरियम, वायरियम यंत्रों आदि का निर्माण संबंधी परियोजना है। निरीक्षण संबंधी परियोजना है, उपभोक्ता प्रायोजना है, संग्रह संबंधी प्रायोजना है, पहचान संबंधी प्रायोजना है। देखिए ये जो उपभोक्ता वाला हुआ ये कॉमर्स में आ जाता है, ठीक है। निर्माण संबंधी भी अगर देखें तो आर्ट में आता है। तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट में जो है अलग अलग आता है। अब हम देखेंगे असाइनमेंट स्ट्रैटेजी। असाइनमेंट स्ट्रैटेजी आप जानते हैं टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज जो है टीचर्स जो है स्टूडेंट को देते हैं, और उसमें उनको जो है अपनी से बोल सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी होता है इसी का एक छोटा सा रूप है, तो उनको आंसर लिख करके लाना होता है या फिर प्रोजेक्ट तरह असाइनमेंट बना करके लाना होता है। इसमें जो है आपका विशेषता क्या है, तो प्रत्येक छात्र इसमें जो है प्रत्येक छात्र अपनी सामर्थ्य के अनुकूल कार्य करता है। शिक्षक को पर्याप्त मार्गदर्शन करना पड़ता है। छात्रों को स्वयं कार्य करने की आदत पड़ती है। छात्र अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने की आदत विकसित करते हैं। ये जस्ट लाइक होमवर्क ही होता है असाइनमेंट, अब इसको होमवर्क की तरह देख सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर खत्म होने के बाद जो है टीचर देते हैं, ताकि उनको ये समझ में आए कि बच्चों को समझ में कितना आया है, किसको कितना समझ में आया है और कौन इसको किस तरह से प्रेजेंट अपने तरीके से करता है। इसके जो डिमेरिट्स की हम बात करें तो है शिक्षक पर छात्रों के कार्य निर्देशन का उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है, अधिक समय लगता है, अच्छी प्रयोगशाला में अच्छे पुस्तकालय के अभाव में यह विधि उपयोगी नहीं है। प्रत्येक दिन अगर हम सुझाव बोले तो प्रत्येक दिन दत्त कार्य न दिया जाए। हाँ ये मैं बोल रही ना कि होमवर्क जो है हम डेली देते हैं, लेकिन असाइनमेंट डेली देने वाला नहीं होता है। ये आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर खत्म होने के बाद दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को आप एक छोटे से ये में इवेल्युएट कर पाए कौन कितना सीखा है, इसलिए किया जाता है। अब हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, जिसको हम समस्या समाधान नीति भी कहते हैं। ये क्या है, तो इसमें जैसा कि नाम है, इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स को जो है समस्या के अंदर डाल दिया जाता है और वो उसका जो है सॉल्यूशन निकालते हैं। समस्या समाधान विधि का जन्म प्रयोजनवाद के फलस्वरूप हुआ। इसमें छात्र अपने पाठ से संबंधित समस्याओं छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और छात्र अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार उनके समाधान में लग जाता है। इस विधि में समस्या छात्रों के समक्ष स्पष्ट शब्दों में रखी जानी चाहिए तथा उनके अधिगम मनोभावों पर आधारित होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को खुद ही समस्या भी दी जाती है और उसका सॉल्यूशन भी स्टूडेंट ही ढूंढते हैं। तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या स्ट्रैटेजी। इसमें होता क्या क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है समस्या का चयन। इसमें क्या होता है, उनको खुद ही अपना प्रॉब्लम जो है चूज़ करना पड़ता है, फिर उसको कैसे प्रेजेंट करें, फिर कैसे पॉइंट्स जो है इकट्ठा करें, फिर कैसे इसका जो है परिकल्पना का निर्माण करें, कैसे इसको करना है, सेट करना, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, फिर सॉल्यूशन निकालना है, फिर इसका इवेल्युएशन करना है। ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को करनी पड़ती हैं।
इसमें है क्या इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें है छात्र को खुद ही समस्याओं भी ढूंढना होता है और उसका हल निकालना पड़ता है, निरीक्षण तर्क शक्ति का विकास होता है, वे जो है नया काम करने में जो है नए काम को पुराने काम से जोड़ते हैं और उससे सीखते हैं, लर्निंग बाई डूइंग पर ये आधारित है ये क्रिया। इसमें अगर हम बोले तो डिमेरिट्स में है यह समय और शक्ति का अपव्यय होता है, इस विधि में निष्कर्ष के गलत होने का भी भ्रम बना रह सकता है क्योंकि बच्चे खुद से करते हैं तो हो सकता है कि कुछ बच्चे जो कंक्लूजन निकाल कर लाएं वो गलत हो सकता है। यह विधि छोटी कक्षाओं में उपयोगी नहीं है, इस विधि के प्रयोग के लिए योग्य शिक्षक की आवश्यकता होती है ताकि वो सही मार्गदर्शन दे पाए। अब है वार्तालाप नीति यानी डिस्कशन स्ट्रैटेजी। डिस्कशन स्ट्रैटेजी में क्या है, देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, किस तरह से डिस्कशन होता है। इसमें तीन तरह का डिस्कशन जो आता है, एक तो होता है फॉर्मल जो कि ऑफिशियल लेवल पे डिस्कशन होता है, जो ग्रुप डिस्कशन आप सुने भी होंगे कि जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें ग्रुप डिस्कशन भी एक पार्ट होता है, तो ये ऑफिशियल हुआ यानी फॉर्मल हुआ। इनफॉर्मल क्या होता है कि जब हम अपने घर में ही बैठे हुए हैं, फैमिली में बैठे हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं तो वहां पे डिस्कशन होता है किसी टॉपिक पे, हर किसी के विचार अलग हो सकते हैं तो डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद तीसरा जो होता है स्ट्रक्चर्ड होता है, संरचनाकृत होता है, जिसको हम तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है बज सेशन, दूसरा होता है सार्थक संरचनात्मक सामान्य वार्तालाप और तीसरा होता है शिक्षण बिंदुओं पर सामूहिक वार्तालाप। ये जो क्लास में करवाया जाता है ग्रुप डिस्कशन वो होता है। संरचनात्मक से आप समझ ही रहे होंगे कि स्ट्रक्चर होता है, प्लानिंग के तहत होता है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि औपचारिक होता क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। मैं इसलिए ये सबको इतना डिटेल में नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने में भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप पढ़ करके समझ सकते हो इसको। और इसमें जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आएगा वो मैं आपको बताऊँगी भी। चलिए औपचारिक वार्तालाप भी दिया हुआ है, ठीक है ये सारा देख लीजिएगा। वार्तालाप की सीमाएं हैं, वार्तालाप के सुझाव हैं, ये आइए मैं इसी को ढूंढ ही रही थी। ये जो है आप लोगों का वेरी शॉर्ट में आएगा या फिर नोट्स लिखने में आएगा ये क्वेश्चन। इसका नाम है ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी। ये क्या होता है, मस्तिष्क विप्लव नीति, जैसा कि नाम से विदित है यह एक ऐसी नीति है जिसमें साधन प्रयोग किए जाते हैं जो छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्ति तथा चिंतन के प्रति हलचल मचा देते हैं। इसमें होता क्या है, विप्लव बोलिए स्टॉर्मिंग बोलिए कि बच्चों के दिमाग में जो है तूफान जैसा मच जाए। तो ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि हम बच्चों के सामने एक ऐसे समस्याएं रख देते हैं जिसका हल उनको ढूंढने के लिए अपनी सभी तरह की रीजनिंग एबिलिटी यानी कि जो सोचने की क्षमता होती है, जो तार्किक क्षमता होती है, जो लॉजिकल एबिलिटी होती है, सब का उनको यूज़ करना पड़ता है, वो होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि उनका दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। इसमें छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, इसमें छात्रों को ये याद रखिएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो खुद से समस्या को चूज करते हैं लेकिन इसमें आप उनको चुनने का अवसर नहीं मिलता है, इसमें खुद से हम डिसाइड करके देते हैं कि ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है। शिक्षक सभी विचारों को श्यामपट पर लिखता, अब क्या है देखिए समस्या प्रस्तुत की जाती है जिस पर सभी छात्र स्वतंत्रतापूर्वक विचार करते हैं, वार्तालाप तथा वाद विवाद करते हैं और उसके बाद शिक्षक सभी विचारों को श्यामपट पर लिखता चला जाता है। वाद विवाद और चिंतन तथा वार्तालाप करते करते एक ऐसा बिंदु या अवस्था आ जाती है जब छात्र एकदम समस्या को हल कर देते हैं, ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये इम्पॉर्टेंट है, मैं जो इम्पॉर्टेंट है मैं बताऊंगी, ये इम्पॉर्टेंट है इसको अच्छे से कीजिएगा। यह शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, यह भावात्मक तथा ज्ञानात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है, छात्रों को चिंतन तथा समस्या समाधान करने के क्षेत्र में उत्साहित करती है, छात्रों की सृजनात्मकता क्षमताओं का प्रयोग होता है या उसका विकास होता है, मतलब क्रिएटिविटी बढ़ती है, और सामूहिक चिंतन तथा वार्तालाप इस विधि में अधिक मूल्यवान विचार प्रदान करते हैं, यह छात्रों को स्वतंत्रतापूर्वक सोचने के लिए प्रेरित करती है।
अब आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था, उन्होंने ये भी बोला था कि मैम हमारा जो है माइक्रो टीचिंग स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज़ इसको बता दीजिए। तो हमारा जो स्ट्रेटजी है 21 नंबर माइक्रो टीचिंग उपागम, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण, जिनको बोला जाता है, ये क्या है? देखिए, माइक्रो टीचिंग अब विभिन्न विषयों के शिक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचने लगी है। पर शिक्षण पहले होता क्या, मैं वो आपको समझा दूं। माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा, और टीचिंग मतलब शिक्षण। तो जो आपको जाकर के स्कूल लेवल पे करना है, जो रियल लाइफ में करना है, उसका आपको ट्रेनिंग करवाया जाता है, उसका आपको रिहर्सल करवाया जाता है। तो वो रिहर्सल कहाँ करवाया जाता है? वो रिहर्सल आपको आपके कॉलेज में ही, आपके जितने फ्रेंड्स होते हैं जो बीएड कर रहे होते हैं, उन्हीं के साथ करवाया जाता है। उन्हीं में से आपको जो है एक चुना जाएगा, आपका जो मेथड पेपर रहेगा वो एक टॉपिक आपको खुद से लेना है, उसका लेसन प्लान बनाना है, और आपको 10 मिनट जो है 8 मिनट या 5 मिनट के लिए जो है पढ़ाना है। उसमें आपको सारी वो टेक्निक सिखाई जाती है जो आपको एग्जैक्टली रियल लाइफ में जाके करना है। बोर्ड पे कैसे खड़ा होना है, अपने टॉपिक को कैसे स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन के साथ इंट्रोडक्शन टॉपिक निकलना चाहिए, टाइम टू टाइम पे बच्चों से कैसे क्वेश्चन करना है, कौन सा मेथोलॉजी यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको माइक्रो टीचिंग के थ्रू सिखाई जाती है। ये होता है माइक्रो टीचिंग। प्रशिक्षण विद्यालय में, वही बीएड विद्यालय में, विभिन्न पाठों को इस उपागम के माध्यम से सरलता से प्रभावशाली रूप में पढ़ाया जाता है। इस विधि में छात्र अध्यापक, यानी कि आप लोग, जो कि छात्र इसलिए बोला जा रहा है कि आप स्टूडेंट हो, अध्यापक कि आप जो है टीचर बनने वाले हो, तो जो छात्र अध्यापक हैं को पहले किसी कौशल के बारे में भली भांति बताया जाता है, फिर उसे प्रदर्शन तथा प्रतिमानों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। छात्राध्यापक प्रतिमानों के माध्यम से उस कौशल का निरीक्षण करते हैं, फिर पाठ तैयार करते हैं, यानी कि लेसन तैयार करते हैं, और उन्हें कक्षा में पढ़ाया जाता है, जिन्हें वीडियो टेप अथवा ऑडियो टेप किया जाता है, उसको रिकॉर्डिंग भी की जाती है। जब छात्राध्यापक 8 से 9 मिनट पढ़ा देते हैं, तब उसके सुपरवाइजर 1 मिनट शेष है का निर्देश देते हों, और जब पाठ खत्म हो जाता है तब छात्राध्यापक को उसका मूल्यांकन चार्ट दिया जाता है। वहाँ पे सुपरवाइज करने के लिए आपके टीचर्स बैठे हुए रहते हैं, आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या गलती हो रही है, वो आपको जो है फीडबैक दिया जाता है। ये माइक्रो टीचिंग होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और मैं बता दूं, वैसे आप लोग लिख लोगे अब, मुझे पता है, ये आपका शॉर्ट में ही आएगा, ये लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आता है। इस प्रकार इस उपागम से शिक्षण का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। शिक्षण के द्वितीय चरण में शिक्षक एवं छात्राध्यापक मिलकर शिक्षण पर परिचर्चा करते हैं और आवश्यकता अनुसार टेप का भी प्रयोग करते हैं। अब जैसे आपको पढ़ा लिया गया, अब उसके बाद से टीचर्स आपको फीडबैक देंगे, आपने क्या गलती की क्या नहीं, जो टेप रिकॉर्ड हुआ है अगर जरूरत पड़ा तो उस टेप को देखा भी जाता है, और इस तरह से आपको तैयार करवाया जाता है आपके रियल लाइफ के लिए। चलिए फिर मिलूंगी आपसे, टिल देन हैव अ नाइस डे।